अर्थ कोई जमीन का टुकड़ा नहीं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी सिंह ऑफिशियल ब्लॉग। एक बार फिर से आप लोगों का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। दो दिन तीन दिन पहले एक ट्रेलर रिलीज हुआ है भोजपुरी फिल्म का, जिसके हीरो हैं खेसारी लाल यादव। तो जैसे कि मैंने ट्रेलर देखा, काफी अच्छा ट्रेलर लगा मुझे। और अब फिल्म क्या है, कैसी है, तो मूवी आने के बाद इसका दर्शक जो भी, इसका ऑडियंस जो भी देखेंगे मूवी को, वो क्या इस पर रिप्लाई देते हैं, वो फिल्म आने के बाद जब सिनेमा हॉल में लगेगी फिल्म, और क्या उस पर दर्शकों का ध्यान आता है, वो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिल्म का ट्रेलर आने से पहले खेसारी लाल यादव ने लाइव आकर कहा था कि जो भी लोग हैं, जो छोटे या बड़े स्टार हैं या कोई भी हैं, उनसे उन्होंने निवेदन किया था कि वो लोग आए और हमारी भोजपुरी को मैं आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा सहयोग करें। मैंने भी सोचा कि चलो, एक फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा और एक बार नहीं दो तीन बार देखा, और देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि भोजपुरी की और भी जितनी मूवियाँ हैं उनसे कुछ हटके इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है, डायरेक्ट किया गया है। इसमें ज़्यादातर सीन हमारे इंडिया से बाहर के हैं, और कुछ ऐसे ऐसे जगहों के सीन वगैरह दिखाए गए हैं या शूटिंग ऐसे ऐसे जगहों की गई है, जिससे पता चलता है कि भोजपुरी में कुछ नया होने का आशा है। तो हमारा भी कर्तव्य है बिहार से होने के कारण कि हमारी भी भोजपुरी की जो मूवी है वो अच्छे लेवल तक जाए, और जिस तरह हमारे साउथ इंडस्ट्रीज की मूवियाँ हैं और उनके जो जो लोग उस मूवी में के लिए काम करते हैं, उसके वीडियोज के लिए काम करते हैं, पूरी फिल्म में जो टीम रहती है उन लोगों से के साथ मिलकर इस मूवी का काम किया गया है। और जो भी मेरा ये निचोड़ निकला है इस मूवी के ट्रेलर को देखकर, जिस मूवी का नाम है संघर्ष 2, और मूवी भी ट्रेलर के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मूवी भी अच्छी ही होगी, और आशा करते हैं कि अच्छी हो, ताकि हमारी भोजपुरी मूवी को भी ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा हॉल मिले। ज़्यादा से ज़्यादा हॉल मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, और जो लोग इच्छुक हैं या जो दूर भागना चाहते हैं वो भी इच्छुक होंगे हमारे भोजपुरी में आकर काम करने के लिए। तो एक अच्छा पहल है खेसारी लाल यादव की तरफ से, और जो भी लोग उनके पूरी टीम को मैं अपने तरफ से थैंक्स करना चाहता हूँ, पूरे भोजपुरी की तरफ से थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मूवी को इतने बड़े स्तर पर बनाया है। और खैर, ये तो बाद में पता चलेगा कि मूवी की स्टोरी क्या है, मूवी के अंदर क्या है, बट ट्रेलर के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोशिश की गई है जिससे पता चलता है कि भोजपुरी में कुछ नया होने का आशा है। तो हमारा भी कर्तव्य है बिहार से होने के कारण कि हमारी भी भोजपुरी की जो मूवी है वो अच्छे लेवल तक जाए, और जिस तरह हमारे साउथ इंडस्ट्रीज की मूवियाँ हैं और उनके जो जो लोग उस मूवी में के लिए काम करते हैं, उसके वीडियोज के लिए काम करते हैं, पूरी फिल्म में जो टीम रहती है उन लोगों से के साथ मिलकर इस मूवी का काम किया गया है। और जो भी मेरा ये निचोड़ निकला है इस मूवी के ट्रेलर को देखकर, जिस मूवी का नाम है संघर्ष 2, और मूवी भी ट्रेलर के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मूवी भी अच्छी ही होगी, और आशा करते हैं कि अच्छी हो, ताकि हमारी भोजपुरी मूवी को भी ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा हॉल मिले। ज़्यादा से ज़्यादा हॉल मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, और जो लोग इच्छुक हैं या जो दूर भागना चाहते हैं वो भी इच्छुक होंगे हमारे भोजपुरी में आकर काम करने के लिए। तो एक अच्छा पहल है खेसारी लाल यादव की तरफ से, और जो भी लोग उनके पूरी टीम को मैं अपने तरफ से थैंक्स करना चाहता हूँ, पूरे भोजपुरी की तरफ से थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मूवी को इतने बड़े स्तर पर बनाया है। और खैर, ये तो बाद में पता चलेगा कि मूवी की स्टोरी क्या है, मूवी के अंदर क्या है, बट ट्रेलर के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा ट्रेलर देखने के बाद का जो मेरा सोच है, मैं उसको बता रहा हूँ कि शायद इस तरह से फिल्म हो सकती है। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बिहार के जितने भी लोग हैं वो इस मूवी को सिनेमा हॉल तक जाकर देखें, और एक बार जरूर जाएं देखें, क्योंकि जब किसी न किसी की मेहनत लगी हुई है और कोई इतना विश्वास के साथ कह रहा है कि हाँ, ये फिल्म एक इतिहास बनाएगी भोजपुरी में, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मेन यही मकसद था कि आप लोग जब भी ये फिल्म सिनेमा हॉल में लगती है तो आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग सिनेमा हॉल तक जाएँ और इस मूवी को देखें, ताकि हमारी भोजपुरी आगे बढ़े और हमारे भोजपुरी के कलाकार आगे बढ़े,
और हमारे भोजपुरी के जो भी आर्टिस्ट हैं जो मूवियों में काम करते हैं उनको एक सम्मान की नज़र से सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में देखा जाए तो और ढेर सारी शुभकामना है खेसारी लाल यादव को मेरे तरफ से मेरे चैनल की तरफ से मुझे चाहने वालों की तरफ से और मेरे जितने भी लोग मेरे प्रिय हैं उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी जाएं और खेसारी लाल यादव की मूवी संघर्ष 2 देखें और देखने के बाद फिर रिप्लाई देते हैं कैसा लगा या क्या लगा। ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।